हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका फिर से एक बार। दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था HDFC बैंक का, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। कहीं ना कहीं दोनों वीडियो को रिलेट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। अब बात कर रहे हैं जो दोस्तों, आज अचानक ऑल ऑफ अ सडन, जब सब कुछ सही चल रहा, ऑल ऑफ अ सडन फ्राइडे को मार्केट ओके ओके क्लोज हो जाता है और मंडे को मार्केट 600 पॉइंट से नीचे ओपन होता है, गैप डाउन होता है, वो भी 600 पॉइंट लगभग 1.5% के आसपास की। साथ में सेंसेक्स ही नहीं बल्कि निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास से नीचे ओपन होता है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब सब सही चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीजें होती है, तो उसके पीछे का रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम लोग कल के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सके कि क्या कल भी मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करेगा। क्योंकि आज मेरे ख्याल से सारे के सारे जो भी प्रॉफिट में थे वो रेड में आ चुके हैं, जो भी ग्रीन में थे वो रेड में हैं, जिनका स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो उड़ चुके हैं। और काफ़ी अगर बात करें ना दोस्तों, तो मार्केट में अगर ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप भी नहीं, बट लार्ज कैप जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। खास करके बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा तहलका वहाँ पर मचा हुआ है। साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस सेक्टर जो है, पूरा फाइनेंस सेक्टर, सिर्फ बैंकिंग नहीं बट NBFCs की भी अगर बात करें, तो दोनों मिलाकर मार्केट के गिराने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे। अब एक्चुअली क्या बात है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तीन चार पॉइंट निकल करके आते हैं जो बताते हैं कि भाई इसमें क्या रीजन थे आज की गिरावट के बाद में। तो लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, फटाक से शुरू कर देते हैं। मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों हमारे वेबसाइट पे, जिसका नाम है bearnews.in। यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल दुनिया भर में छपते हैं, उनमें से कुछ खास आर्टिकल निकाल करके हम लोग लेकर के आते हैं हमारे साइट पर पब्लिश करने के लिए। यहाँ पर आपको घूमना नहीं पड़ता है, फटाक से लॉग इन करो, देख लो, ओपन सोर्स साइट है, कोई भी आकर के देख सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे के सारे मिल जाएंगे, और बहुत ही सॉर्टेड सिस्टम में हमने इसको रखा हुआ है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा मैं बात कर रहा था फोर फैक्टर के बारे में कि क्या रीजन थे आज मार्केट को गिराने में। अगर हम लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो 30 शेयर लगभग 750 पॉइंट से गिर चुके थे, जिसमें लगभग निफ्टी की बात करें तो 15,707 तक पहुंची थी इंट्राडे में। सेंसेक्स 600 पॉइंट से गिरा था लगभग 1.5% के आसपास, और ये 52,500 के आसपास आकर के रुक गया था। निफ्टी में लगभग 170 पॉइंट नीचे आकर के सेटल हो गया 15,750 के आसपास। इसमें मिड कैप स्मॉल कैप तो वॉज फेयरली परफॉर्म, बट लार्ज कैप जो है उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला था। पहला रीजन था एशिया वीक क्यूज। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एशिया में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से एक बार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की थर्ड वेव बढ़ते हुए केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सेकेंड वेव से ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी से निकालकर सेफ साइड यानी गोल्ड में या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट सोर्सेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इसी के चलते आज का ये एशिया मार्केट में कहूँगा, चाहे वो इंडिया का हो, जापान का निकिया हो, या फिर हांगकांग का हुआंगसेंग हो, या कोरिया का कोप्सी हो, कोई भी मार्केट हो, सारे के सारे में आज मंदी, खास करके मंदी कहूँगा मैं, दिखाई दी थी। क्योंकि सारे के सारे में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई बट एक मंदी का असर डेफिनेटली दिखाई दिया था। बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक ये बन गए थे जिन्होंने ये मार्केट को नीचे दबाया, प्रेशर बनाया। हम लोग देखें अगर HDFC ट्विंस एंड HDFC या HDCGB जो भी इनका एक NBFC है, इंडसइंड बैंक देखो, ICICI, कोटक, एक्सिस, SBI, सारे के सारे के रिजल्ट्स में इतने अच्छी और पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। खास करके अगर हम लोग बात करें ना HDFC बैंक की, तो उसके रिजल्ट ओके हैं बट जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उतने अच्छे डेफिनेटली नहीं है। और खास करके नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंक का मेन इनकम होता है, और बैंक का दूसरा जो एक्सपेंस होता है खास करके, वो भी इंटरेस्ट ही होता है बट NIIs होता है, जो बैंक लोन देकर इंटरेस्ट कमाती है, और दूसरा होता है बैंक पैसा लेकर के हमें इंटरेस्ट देती है, उसका जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब बैंक से लोन लिया नहीं जा रहा है और बैंक को कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बैंक के लॉसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, और यही एक मेन रीजन मैं कहूंगा बन चुका था बैंकिंग को गिराने के लिए और ये प्रेशर बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिलेंटलेस ऑफ सेलिंग ऑफ FPI, इसमें बेसिकली हुआ क्या है, FPI अगर आप देखोगे तो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, इनको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आइडिया अंडरस्टैंडिंग होती है,
इन्होंने अपना पैसा जो है वो इक्विटी से निकालना शुरू कर दिया था जुलाई में ही, और इन्होंने लगभग 4,500 करोड़ तक का पैसा निकाल लिया था, और इन्होंने घुमा फिरा के वही पैसा डेट सेगमेंट में डाल दिया है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे कहेंगे तो बैलेंसिंग की ही एक सिचुएशन है, बट जितना निकाला गया था उससे आधा पैसा डाला गया है, आधा पैसा अभी भी मार्केट के बाहर है। तो डेफिनेटली ये भी एक रीजन बना था आज मार्केट की गिरावट के पीछे। कंसर्न ऑफ ओवर रिच वैल्यूएशन, आप देख रहे हो मार्केट हाई पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, बट एक स्ट्रेट रेंज में अपने हाई के आसपास ही कहीं ना कहीं यह ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है एक प्रेशर कुकर जैसी, या सीटी एक तो फूटेगी खुलेगी सीटी या तो कुकर उड़ जाएगा, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई। यहाँ पर कुकर उड़ गया मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर इंतज़ार है, अब देखना है सेटल डाउन किस तरह से होता है। अगर ये 600% मार्केट को कहीं ना कहीं 600 पॉइंट्स माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं मार्केट को सेटल होने में हेल्प कर देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है इन फ्यूचर में। बट देखते हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। आई होप मैं चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ। तो अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो पेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।